कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण न केवल जीवन शैली बदली बल्कि रस्म रवाज तक पर भी असर हुआ है। ऐसा ही एक मामला है बसड़ी थाना इलाके के गांव महू के नंगला में। लॉकडाउन के दौरान सादगी से शादी संपन्न हुई। शादी की रस्म के दौरान दूल्हा एवं दुल्हन पक्ष ने लॉकडाउन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर दूल्हा दुल्हन के साथ सभी ने मुंह पर मास्क लगाकर शादी की रस्म निभाई। भरतपुर जिले के बयाना तहसील निवासी दूल्हा दीपक गोस्वामी के मुताबिक उसकी लंबे समय पूर्व 16 अप्रैल 2020 की शादी निर्धारित हुई थी। शादी की रस्म की वर और वधु पक्ष ने पूरी तैयारियां भी कर ली। शादी को धूमधाम से संपन्न कराने के लिए दोनों पक्षों ने मैरिज गार्डन, दावत के लिए हलवाई, डेकोरेशन, संगीत कार्यक्रम की व्यवस्था की। 16 अप्रैल 2020 की शादी के लिए सभी कार्य पूर्व निर्धारित हो चुके थे, लेकिन कुछ समय पूर्व पड़ोसी देश चीन से आए कोरोना संक्रमण ने ऐसी दस्तक दी कि उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा और सादे समारोह में उन्हें सीमित मेहमानों के बीच में अपनी शादी करनी पड़ी। हमारी शादी थी जो बहुत दिनों से 16 अप्रैल की फिक्स थी, लेकिन अचानक ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से जिस तरीके से शादी संपन्न होनी थी उस तरीके से शादी संपन्न ना होकर के जिला कलेक्टर धौलपुर द्वारा एवं जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा दोनों तरफ से 5 आदमियों की परमिशन लेकर के और शादी को संपन्न कराया गया, जिसमें कोरोना की वैश्विक महामारी की जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार पर्याप्त सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, सभी को मास्क लगाए गए। इस तरीके से कुल मिलाकर 7 व्यक्तियों के मौके पर मौजूद होकर और शादी को संपन्न किया गया। हमारी शादी 16 अप्रैल को पहले से ही फिक्स थी। हमने 5 आदमियों की परमिशन लेकर ये शादी को संपन्न किया और सोशल डिस्टेंस का पालन किया और सरकार के तहत जो भी कानून बनाए गए थे हमने उनका पालन किया।